विघ्नहर्ता गजानंद के त्योहार गणेश चतुर्थी में अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, जो हर साल की तरह इस साल भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को देश भर में मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसी वजह से गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में बुद्धि के देवता गणपति बिराजते हैं। श्रद्धा और मान्यता के अनुसार लोग तरह तरह के गणपति अपने घर में 9 दिन की स्थापना और पूजन के लिए लाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सभी गणपति के अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक खास प्रकार के धातु के श्री गणेश घर पर विराजित करना सबसे ज्यादा फलदायी रहता है? तो गणेश हमारे यहाँ प्रथम पूजने वाले परमात्मा के स्वरूप श्री गणेश है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करना, दूर्वा के द्वारा, पुष्प के द्वारा, बिल्वपत्र एवं लड्डू लेकर भगवान गणेश जी का पूजन करना बहुत ही शुभदायी है। इस बार जो गणेश चतुर्थी आ रही है वह भौमवार को है, तो बहुत ही शुभदायी है। गणेश जी की प्रीति के लिए मन प्रसन्न, पवित्रता एवं गणेश जी के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव से यदि पूजन किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक लोग गणेश जी की स्थापना भी करते हैं, उनका पूजन भी करते हैं, पर यह संभव न हो, यदि इतने दिनों तक हम पूजा न कर सकें, तो एक ही दिन गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी से प्रार्थना करें, तो सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले भगवान श्री गणेश हैं और साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। गणेश की पूजा प्रथम इसलिए है, वो बुद्धि के, रिद्धि सिद्धि के और आनंद के देवता हैं और अत्यंत कल्याणकारी हैं। गणाध्यक्ष हैं, गणेश हैं, इसलिए पूजा करना बहुत उत्तम है। देखिए, वैसे तो कणकण में परमात्मा है और गणेश जी की मूर्ति किसी भी धातु की बनाई जाए वह ही मंगलकारी और फलदायी है, परंतु गणेश जी का बार बुधवार है और बुध का रंग हरा है, इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में पन्ना का अगर गणेश जी बनाया जाए और उस गणेश जी की पूजा की जाए अपने घर में रखकर, तो अत्यंत शुभदायी, समस्त कर्मों का फल देने वाले और परम मंगलकारी हैं। यह पन्ना के गणेश जी यदि दूर्वा, पुष्प, बिल्वपत्र और भगवान के गणेश अथर्वशीर्ष से अभिषेक किया जाए तो ये अत्यंत ही फलदायी और मनोकामना को सिद्ध करने वाले कहे जाते हैं।